हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह राजावत और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 9th स्प्रिंट बैच का पॉलिनोमियल चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में हम जो दो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं वो है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स के पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट लेक्चर को जाके देख लीजिए, उसके बाद में इस लेक्चर को देखना स्टार्ट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल का क्या मीनिंग होता है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, एक पी एक्स हमारे पास पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्या होता है ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, तो उसको आप जरूर देख लीजिए, उसके बाद में इसे देखिए, जिससे कि आप लोगों को इस लेक्चर को समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो देखिए, एक्स पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 या माइनस 7 ले लिए, ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल की पहचान कैसे करते हैं कि जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सबकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। यहाँ पे वेरिएबल की पावर 3 है, यहाँ वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं तो इसकी पावर कितनी है, 0 है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ वेरिएबल्स क्या है, यहाँ एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ वेरिएबल है ही नहीं तो क्रॉस कर देता हूँ उसकी जगह पर। यहाँ उनकी पावर लिखता हूँ, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 3 है, यहाँ वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ वेरिएबल की पावर 1 है और यहाँ वेरिएबल है ही नहीं तो पावर कितनी है, 0 है। तो हमने यहाँ पे ये सबकी पावर्स लिख ली है। अब हमारे को तो क्या पढ़ना था, डिग्री क्या होती है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। तो हमने हर एक टर्म की पावर लिख ली है। पावर किसकी लिखनी है, ओनली वेरिएबल की। ध्यान रखना, कॉन्स्टेंट्स की पावर से कोई मतलब नहीं। अभी मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा। तो देखिए, इन सभी पावर्स में ये वाली पावर हाइएस्ट है क्या, या ग्रेटेस्ट बोल सकते हो, या लार्जेस्ट बोल सकते हो। तो ये वाली जो पावर है सबसे ग्रेटेस्ट है या लार्जेस्ट है, ठीक है, हाइएस्ट है। इसी हाईएस्ट पावर को क्या बोला जाता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोला जाता है। इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या कहलाएगी, ये हाईएस्ट पावर कितनी, 3। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये जो पी एक्स हमारा पॉलिनोमियल था ना, उसकी डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई। आई होप आप लोगों को डिग्री का मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, हाइएस्ट पावर ऑफ, हाइएस्ट, द हाइएस्ट पावर ऑफ, पावर बोल दो या एक्सपोनेंट बोल सकते हो, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, जो भी वेरिएबल होगा उसका जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी इस पूरे पॉलिनोमियल की। फॉर एग्जांपल एक और लें हम, तो देखो जैसा अभी यहां बताओ, एक पॉलिनोमियल लेता हूं मैं, एच एक्स बराबर 5x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7 पावर 5। तो आप लोगों को इसकी डिग्री बतानी है। तो देखो, ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, जब वो रटते हैं तो रटेंगे तो क्या होगा, उसको दिमाग में बिठा लेते हैं कि जो सबसे ज़्यादा दिखे वही डिग्री है। लेकिन वो दिमाग नहीं लगाते हैं कि हमें केवल वेरिएबल्स की पावर देखनी है। यहाँ पर मैं बोला है ऑफ वेरिएबल, यहाँ ध्यान रखना है ओनली वेरिएबल की पावर देखनी है। यहाँ लिख देता हूँ समझाने के लिए, तो आप लोग चाहो तो लिख सकते हो या याद रख सकते हो। तो देखो, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, इधर वेरिएबल क्या है, x है, इधर तो वेरिएबल है ही नहीं तो यहाँ क्रॉस आएगा। यहाँ पे पावर कितनी है, 4 है, यहाँ वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ वेरिएबल है ही नहीं तो 0 होगा। इसमें हाइएस्ट कितना है, 4। तो हम बोलेंगे जो डिग्री होगी वो बराबर कितनी होगी, 4 होगी। आई होप आप लोगों को मतलब समझ में आ गया होगा। यहाँ पे डिग्री 5 नहीं होगी, नॉट इक्वल 5। क्यों, क्योंकि ये 7 की पावर है और 7 एक कॉन्स्टेंट है। आई होप मैं आप लोगों को इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब कई बार क्या होता है, यहाँ मैं आप लोगों को और चीज़ समझाता हूँ। कई बार एक से ज़्यादा वेरिएबल्स दे देते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लूँ मैं, 2x स्क्वायर वाई माइनस 3x वाई क्यूब या एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 2 या मान लो 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ऐसे दे दिया। तो यहाँ एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हो तो क्या करेंगे, तो तब हम क्या करते हैं, हर एक टर्म की अलग से पावर निकालते हैं। तो पहले इस टर्म की पावर निकालेंगे, तो इसकी पावर कैसे निकाली जाती है, सभी वेरिएबल्स की पावर्स का सम कर दो। तो यहाँ पे इसकी पावर कैसे निकलेगी, 2 + 2 कितनी होगी, 4। ऐसे इसकी पावर कितनी होगी, 2 + 3 विच इज इक्वल टू 5। और इसकी पावर कितनी होगी, 2 + 2 + 2 = 6। 6 क्या है, हाईएस्ट है,
तो इस पूरे एक्सप्रेशन की जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, 6 होगी। आई होप आप लोगों को इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। यहाँ 6 है, मैं इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा अगर आप लोगों को विजिबल नहीं है तो इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, 6 होगी। मैं एक बार देख लेता हूँ ये विजिबल है क्या। हाँ अब विजिबल है, तो देखिए तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 6, क्योंकि हाईएस्ट है 6। तो क्या अब ये भी ध्यान रखना कि अगर बहुत सारे वेरिएबल्स हो तो सभी टर्म्स की अलग से डिग्री निकाल लो। कैसे निकालोगे, सभी वेरिएबल्स की जो पावर्स है उनको क्या कर लो, ऐड कर लो, तो हमारे को हर एक टर्म की डिग्री निकल गई और उनमें से सबसे हाईएस्ट वाली जो होगी वो हमारी डिग्री हो जाएगी उस पूरे एक्सप्रेशन की, यानी उस पूरे पॉलीनोमियल की। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यहाँ एक छोटा सा नोट है वो भी मैं यहाँ बता देता हूँ। देखो यहां, देखो यहां ये कांस्टेंट वाला टर्म है, ये वाला टर्म कौन सा है, कांस्टेंट वाला टर्म है, क्योंकि यहां पे वेरिएबल है नहीं तो कांस्टेंट है। तो जो भी कांस्टेंट वाला टर्म होगा ना उसकी डिग्री आप लोगों को कितनी दिख रही होगी, अगर ओनली -7 होता, एक कोई कांस्टेंट होता ओनली कांस्टेंट, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर -2 ले लिया, तो -2 के साथ कोई वेरिएबल है ही नहीं तो इसकी जो पावर होगी या डिग्री बोल सकते हो, अगर -2 ही अकेला तो इसकी जो डिग्री होगी वो बराबर कितनी होगी, 0 होगी। आई होप इसका मीनिंग भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग जब टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल्स में पढ़ेंगे तो एक टाइप पढ़ेंगे डिग्री के बेसिस पे, तो तब मैं और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी के लिए बस इतना सा ध्यान रखो कि पॉलीनोमियल्स में जो वेरिएबल्स होंगे, वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट पावर होगी, जो हाईएस्ट पावर होगी उस हाईएस्ट पावर को ही हम क्या बोलते हैं, उस पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री बोलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो हमारा डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल खत्म हो गया है। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल्स। तो टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल्स को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहले टाइप से जो हमने कैटेगरी बनाई है वो है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स। वेरिएबल्स अलग अलग होने चाहिए। अब इसका क्या मतलब है, देखो जैसे ये एक एक्सप्रेशन ले हम, तो यहाँ पे यहाँ वेरिएबल एक्स है, यहाँ वेरिएबल एक्स है, यहाँ वेरिएबल एक्स, तो अगर हम कोई पूछे कि बताओ इसमें कितने वेरिएबल्स यूज हुए, इसमें 3 वेरिएबल्स यूज नहीं हुए, एक ही वेरिएबल 3 जगह यूज हुआ है, तो हम यहाँ पे डिस्टिंक्ट वेरिएबल नहीं बोलेंगे, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, डिस्टिंक्ट वेरिएबल होने चाहिए। जैसे एक एक्स है तो दूसरा वाई, तीसरा जेड या ऐसा कोई अदर वेरिएबल हो सकता है। तो डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे उसके बेसिस पे क्या होंगे, डिस्टिंक्ट वेरिएबल के बेसिस पे किस नाम से जाना जाएगा। तो देखो नंबर ऑफ वेरिएबल्स 1 हो तो ऐसे पॉलीनोमियल को हम बोलते हैं यूनिवेरिएट। क्या बोलते हैं, यूनिवेरिएट। यूनि का मतलब 1 होता है, वेरिएट मतलब वेरिएबल, जिसमें एक वेरिएबल हो। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसमें ओनली एक्स एक वेरिएबल यूज हुआ है तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, यूनिवेरिएट। दूसरा है जिसमें 2 वेरिएबल्स यूज हो, उसको हम बोलते हैं बाई वेरिएट। बाई का मतलब होता है 2 और वेरिएट का मतलब वेरिएबल। तो देखो एक्स स्क्वायर वाई और ये 3, तो यहाँ पे एक्स और वाई क्या हुए, 2 वेरिएबल्स यूज हुए, दोनों अलग अलग है, इसलिए क्या बोला, डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स होने। जिसमें 3 हो उसको ट्राई वेरिएट बोलते हैं, ट्राई का मतलब होता है 3, बाई का मतलब होता है 2, यूनि का मतलब होता है 1 और ट्राई का मतलब होता है 3 और वेरिएट का मतलब वेरिएबल्स। तो देखो एक एक्स यूज हुआ, एक वाई यूज हुआ, एक जेड यूज हुआ, तो 3 वेरिएबल्स में मिलकर बना हुआ है ये एक्सप्रेशन ये वाला, तो ये क्या कहलाएगा, ट्राई वेरिएट कहलाएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और इन जनरल क्या कर देते हैं, 2 और मोर वेरिएबल्स, अगर 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं तो उनको हम मल्टी वेरिएट बोल देते हैं। मल्टी मतलब बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स अगर यूज हो रहे हैं उसको मल्टी वेरिएट बोल देते हैं। आई होप ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग 2 डिफरेंट टाइप के वो हैं कैटेगरी है जिससे हमने टाइप्स बनाए हैं वो हम देखते हैं, तो इसको वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं 2 टाइप के और पॉलीनोमियल्स को कैटेगराइज किया हमने, 2 टाइप से उनको देखते हैं। तो दूसरा टाइप है हमारा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, 8th क्लास में भी आया था कि नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हम पॉलीनोमियल्स को किस किस टाइप से लिख सकते हैं। तो देखिए जिसमें यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ टर्म्स लिखे हैं उसके बेसिस पे उसका नाम क्या होगा और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। तो अगर किसी भी पॉलीनोमियल में केवल एक टर्म है तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। यहाँ पे मोनो का मतलब होता है 1 और नोमियल का मतलब होता है टर्म, ठीक है। तो जिसमें एक टर्म हो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल। जैसे यहाँ पे 2x लिखा, -3x लिखा, कोमा से सेपरेटेड, ध्यान रखना। तो ये अलग अलग एग्जांपल्स हैं। अब यहाँ देखो पहली नज़र में तो देखते ही ऐसा लगता है कि इसमें 2 टर्म्स हैं, लेकिन ये एक्चुअली दोनों के दोनों टर्म्स क्या है, एक्चुअली
ये वाले दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स है, तो लाइक टर्म्स को क्या किया जाता है, ऐड किया जा सकता है, तो इनको हम कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, 5x। तो 5x एक सिंगल टर्म है, तो हम इसको भी क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। आई होप आप लोगों को इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही दो टर्म्स होते हैं उसको बाइनोमियल बोलते हैं, बाई का मतलब होता है टू और नोमियल का मतलब तो टर्म होता ही है। तो देखो 2x प्लस 3x हो गया, यहाँ पे देखो 2x प्लस सॉरी 2x प्लस 3y एक एग्जांपल हो गया, ऐसे ही 2x प्लस 3x माइनस y। तो यहाँ देखो ये दोनों टर्म्स अगर पहले उसमें देखोगे तो आप लोगों को तीन टर्म्स दिख रहे होंगे, लेकिन यहाँ बेसिकली दो ही टर्म्स है। ये दोनों टर्म्स क्या है, लाइक है, तो इनको ऐड करके क्या लिख सकते हैं, 5x, और साथ में माइनस चल ही रहा है। तो ये कितने टर्म्स हो गए, ओनली टू टर्म्स हुए। तो ये भी क्या है, एक बाइनोमियल का एग्जांपल हो गया, जिसमें तीन टर्म्स हो उनको क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल बोल देते हैं। तो देखो 2x 3y माइनस 7, यानी जो तीनों टर्म्स या जितने भी टर्म्स होंगे ना, वो अलग अलग होने चाहिए। अगर अलग अलग है यानी अनलाइक टर्म्स है, तो जितने टर्म्स होंगे उसके बेसिस पे इसका नाम होगा। एक टर्म होगा तो मोनोमियल, दो टर्म्स होंगे तो बाइनोमियल, तीन टर्म्स होंगे तो ट्राइनोमियल। इनके मैंने एग्जांपल्स भी यहाँ पे लिख दिए। इन जनरल क्या किया जाता है, टू या टू से ज़्यादा टर्म्स होते हैं, टू और मोर टर्म्स अगर हैं तो उनको हम क्या बोल देते हैं, पॉलिनोमियल बोल देते हैं। लेकिन ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जो वेरिएबल्स होंगे उनकी पावर्स हमेशा क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, तब जाके हम उसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो इन जनरल इसको भी हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, इसको भी हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, या अलग से बोलोगे तो इसको बाइनोमियल बोल सकते हो, इसको ट्राइनोमियल बोल सकते हो। अगली जो कैटेगरी है वो है बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी डिग्री के बेसिस पे किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो है, ये मैंने अभी लास्ट स्लाइड पे आप लोगों को समझाया भी था, यानी कि वो पॉलिनोमियल एक कांस्टेंट होगा, क्योंकि उसके साथ वेरिएबल है नहीं। जब वेरिएबल नहीं है, तो जैसे यहाँ 7 है, तो 7 के साथ वेरिएबल है ही नहीं, तो हम क्या मान सकते हैं, 7x पावर 0 मान लो। तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो जब कभी भी डिग्री 0 हो, तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी कांस्टेंट होगा ना, वो 0 नहीं होना चाहिए। 0 का एक स्पेशल केस है, वो मैं अभी ऊपर समझाऊंगा, कि जो भी नॉन जीरो कांस्टेंट है, जैसे कि -2, 7, बाकी कुछ भी हो गया 0 को छोड़ के, तो 0 भी एक कांस्टेंट होता है, लेकिन हमें नॉन जीरो वाले कांस्टेंट को लेना है, तो उसकी डिग्री हमेशा कितनी होती है, 0 होती है। और 0 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। ऐसे ही जब डिग्री 1 हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, 8th क्लास का 2nd चैप्टर आपने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी के हिसाब से लीनियर पॉलिनोमियल लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो वहाँ पे क्या होता था, लीनियर वर्ड आता था। लीनियर वर्ड का मतलब है कि वहाँ पे जो भी x यूज करते थे, उसकी पावर हमेशा 1 ही होती थी, x2, x3 वगैरह नहीं होता था। तो वहाँ पे उसका मतलब होता था लीनियर, यानी कि जब डिग्री 1 हो, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लीनियर बोलते हैं। या उल्टा भी पूछा जा सकता है कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, तो लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, 1 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। एग्जांपल देखो, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 0 है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो 1 को ही हम क्या बोलेंगे, उसकी डिग्री बोल देंगे। ऐसे 2 वाले को बोलते हैं क्वाड्रेटिक, 3 वाले को क्यूबिक। तो देखो, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 दिख रही होगी, यहाँ हाईएस्ट पावर 3 दिख रही होगी, तो 3 इसकी डिग्री है, इसकी डिग्री 2 है, तो 2 डिग्री वाले को क्वाड्रेटिक बोला जाता है, 3 वाले को क्यूबिक बोला जाता है, और 4 वाले को बाई क्वाड्रेटिक बोला जाता है। 2 का भी डबल हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक। और 5 वाले को क्विंटिक बोला जाता है। तो देखो, हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है, 5 दिख रही होगी। अब यहाँ एक मैंने जगह छोड़ी है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो, अगर जो कॉन्स्टेंट है वो क्या हो जाए, 0 आ जाए, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, 0 पॉलिनोमियल। यानी मैं यहाँ समझा सकता हूँ कि अगर जो हमारा कांस्टेंट था वो क्या बन जाए, 0 बन जाए। जैसे कि यहाँ पे -2 कांस्टेंट है, ऐसे 0 भी एक कांस्टेंट है। अगर वो कांस्टेंट 0 बन जाए, तो ऐसे पॉलिनोमियल को मैं एक अलग से नाम दे देता हूँ, उसको क्या बोलते हैं, 0 पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, वो समझना है। देखो, यहाँ पे कांस्टेंट 0 है, उसको हम 0 पॉलिनोमियल बोल देंगे। जैसे 0 रहो, अगर 0 के मल्टीप्लाई में x2 माने, तो भी 0 आएगा। इसके हिसाब से सोचे तो डिग्री कितनी आ रही है, 2 आ रही है, क्योंकि x की पावर हाईएस्ट पावर 2 है। अगर 0 के मल्टीप्लाई में x पावर 10 कर दे, तो भी रिजल्ट तो 0 ही आएगा। इसके हिसाब से सोचे तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 10 होगी। ऐसे 0 मल्टीप्लाई x पावर या y पावर 101 कर दे, तो इसके हिसाब से सोचे तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 101 आ रही है, तो उसके हिसाब से डिग्री कितनी हो गई, 101। लेकिन इसका रिजल्ट भी 0 आएगा। यहाँ क्या हो रहा है, हम ये बता ही नहीं पा रहे हैं कि 0 की एक्चुअल में डिग्री कितनी होगी, क्योंकि कोई भी वेरिएबल इसके पहले हो सकता है कि यहाँ x2 रहा हो 0 के साथ, तो उसके हिसाब से डिग्री 2 है। अगर 0 के साथ में x पावर 10 रहा हो,
रहा होगा तो उसके हिसाब से डिग्री कितनी होगी, 10 होगी। अगर 0 के साथ में y पावर 101 रहा होगा तो उसके हिसाब से डिग्री 101 रही होगी, तो हम बता ही नहीं पा रहे। तो जब कभी भी 0 पॉलिनोमियल होगा यानी कॉन्स्टेंट अगर 0 हो जाए तो उसकी डिग्री क्या हो जाती है, नॉट डिफाइंड होती है। आई होप आप लोगों को इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम बता ही नहीं पा रहे। 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के हिसाब से 2 हो गई डिग्री, 0 मल्टीप्लाई एक्स पावर 10 मान सकते हो, 0 मल्टीप्लाई कुछ भी मान सकते हो, 101 मान सकते हो, तो हम एग्जैक्ट बता ही नहीं पा रहे डिग्री कितनी है, इसलिए इसकी डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल कैसे डिफाइन की जाती है या कैसे फाइंड की जाती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सभी लेक्चर्स के आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।